बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। इस वक्त मैं लोलो मॉल में बैठा हुआ हूँ, खतसरी के ऊपर है। जो तो एक खबर मैं पढ़ रहा था, मैंने बोला आप भाई के साथ शेयर करता चलूँ, जो खासकर जो मेरे भाई हाल ही में सफ़र करना चाहते हैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के लिए, यानी कि आप टिकट वगैरह लेना चाहते हैं और जहाज़ में सफ़र करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि आप सऊदी एयरलाइन की टिकट लेंगे या किसी भी एयरलाइन की टिकट ले लें, आपके ऊपर ये कानून लागू होगा। खासकर जो वहाँ से मेरे भाई सऊदी अरबिया पहुँच रहे हैं, तो आपकी अगर शिकायत कर दी गई और आपने वाकया ही वैसा किया हुआ, तो आपके ऊपर ये फ़ाइन और ये जेल जो मैं आपको बताता हूँ अभी, ये लागू हो जाएगा। बात यह है कि अगर आप जहाज़ में सफ़र करते हैं, चाहे आप यहाँ से दुबई जाते हैं, मस्कत जाते हैं, उर्दन जाते हैं, ओमान जाते हैं, कुवैत जाते हैं, कतर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, फिर भी आप पकड़े जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान चले जाते हैं, रस्ते में आपको बगैरती करते हैं, गैर अखलाकी हरकत करते हैं, वो कौन सी मैं आपको बताता हूँ। तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर आप सऊदी अरबिया आ रहे हैं न्यू वीज़ा के तौर पर, खासकर ये छुट्टी काट कर, तो कोई भी किसी किस्म की ऐसी हरकत मत कीजिएगा। मिसाल के तौर पर जहाज़ में बैठकर किसी को हरासा करना, यानी कि किसी को डराना, धमकाना, या कोई भी किसी किस्म की धमकी लगाना, या उसके गिरेबान में हाथ डालना, या उसको उसके साथ ऊँची ज़ुबान में आवाज़ करना, उसको डराना यानी कि हरासा करना, और इसके अलावा जो पायलट और जो एयर होस्टेस होती हैं उनके साथ किसी किस्म की छेड़खानी करना, ठीक है, सऊदी अरबिया कानून के मुताबिक इसमें आपको 5 साल की कैद है और 5 लाख रियाल तक का फ़ाइन है। ठीक है, जब आप एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे, यहाँ पर किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे, वो आपकी शिकायत दर्ज करवाएंगे, आपको एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाएगा। ठीक है, सीसीटीवी कैमरे वैसे भी जहाज़ में लगे होते हैं, आपका वो देखेंगे। जब वाकया ही आपने ऐसा हरकत की है तो उसके बाद आप सऊदी अरबिया में 5 साल जेल में रहेंगे और आपके ऊपर 5 लाख रियाल का फाइन रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी हरकत जहाज़ में अभी बैठकर मत कीजिएगा। मैंने बहुत से बंदे देखे हैं, वाई के साथ जाते हैं, वहाँ से ड्रिंक कर लेते हैं, या वैसे ही कुछ बंदे यहाँ से जब जहाज़ उठता है, खासकर पीए या एयर ब्लू की बात कर रहा हूँ मैं, तो पाकिस्तानी हजरात कुछ आपे से बाहर हो जाते हैं, कुछ गैर अखलाकी हरकत शुरू कर देते हैं, सिगरेट लगा ली, बार बार वाशरूम जा रहा हूँ, एक दूसरे को आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। तो ऐसी हरकत अभी मत कीजिएगा, खुदा का नाम है, वरना आपको मैंने फाइन और जेल के मुतालिक आगाह कर दिया है।